हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेशों के जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं और प्रशासक, ये तीनों में एक तो डिफरेंस आपको मालूम चल जाएगा कहाँ पे क्या होता है, और दूसरा कहाँ पे आपके मुख्यमंत्री हैं और कहाँ पे नहीं है, वो सारे हम ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और टारगेट अपने को याद रखना है, 6 मार्च हमारा टारगेट है दोस्तों एमपी पुलिस का, तो उसी बेसिस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अच्छे से आप तैयार रहिए। चलिए आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों। चलिए सबसे पहले आता है दोस्तों जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर आपका एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ठीक है, ये आपको भी जानकारी है ना। जम्मू कश्मीर से 2 राज्य अलग हुए, जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख। अब मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर में हमें किसकी जरूरत थी दोस्तों, तो हमें एक जरूरत थी एक शेर की। किसकी जरूरत थी वहां पे? शेर की। अब शेर यानी कि शेर को हम बोल सकते हैं सिंह, सिंह मतलब आपका शेर बोलते ही नहीं बोलते, लोयन। तो टाइगर की जरूरत थी तो उसी से, लोयन की जरूरत थी तो उसे याद रखना दोस्तों। तो ये उपराज्यपाल जो बने दोस्तों वो मनोज सिन्हा बने, सिन्हा मतलब दोस्तों शेर, याद रखना मनोज, मनोज मन में नोज है और साथ में क्या है दोस्तों सिन्हा। तो मनोज सिन्हा यानी कि शेर कहाँ पे पहुंच गया दोस्तों? जम्मू कश्मीर में पहुंच गया। तो जम्मू कश्मीर में किसकी आवश्यकता थी दोस्तों? शेर की आवश्यकता थी, तो मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल बने। दूसरा प्रश्न आता है लद्दाख। लद्दाख मतलब लाखों लोग, क्या बोलते हैं दोस्तों? लाखों लोग, लद्दाख में लाखों लोग, ऐसे याद रखना। तो लाखों लोग किसका स्मरण करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? राधा कृष्ण का। किससे करते हैं दोस्तों? राधा कृष्ण का। और मथुरा से याद रखना, मथुरा में राधा कृष्ण भगवान, ठीक है, तो उन्हीं से मथुरा से माथुर याद रखना। तो लद्दाख यानी कि लाखों लोग किसको, किसका नाम लेते हैं? राधा कृष्ण का लेते हैं। कहां पे? मथुरा में, ऐसा आप याद रखना। सभी जगह लेते हैं वैसे नाम, पर अपने को याद रखना है कि राधा कृष्ण माथुर कहां के हो गए दोस्तों? लद्दाख के। जम्मू कश्मीर में हमने शेर सिंह को भेजा और लद्दाख में राधा कृष्ण। अगला आया दिल्ली। तो दिल्ली की मैं बात करूं दोस्तों, दिल्ली में उपराज्यपाल है अनिल बेजल। कौन है दोस्तों? अनिल बेजल। तो ये नाम याद रखना, अनिल, ठीक है। अनिल हो गया आ से, अनिल हो गया, और आ से अरविंद केजरीवाल हो गया, ठीक है। तो आ से अनिल और आ से अरविंद केजरीवाल, अनिल बेजल उपराज्यपाल है और सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल है। तो ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है मेरे साथियों। तो दिल्ली वैसे तो आपको याद होगा, दिल्ली में आप सरकार है ना, केंद्र केजरीवाल हो गया और अरविंद बेजल हो गया उपराज्यपाल। फिर आता है पुडुचेरी। क्या था दोस्तों? पुडुचेरी। तो पुडु की चेरी में मैंने बात करी, पुडु यानी कि चेरी, चेरी यानी अपन खाते हैं। तो याद है दोस्तों आईपीएस थी हमारी पहली महिला आईपीएस कौन है? किरण बेदी। तो किरण बेदी जी को उपराज्यपाल बनाया गया कहाँ का? पुडुचेरी का। कहाँ का बनाया दोस्तों? पुडुचेरी का, ठीक है। अगली मैंने बात करी दोस्तों, जैसे चेरी का जो आपका फल होता है, तो चेरी बहुत लाभदायक होता है अपने लिए, उसी प्रकार से ये भी बहुत लाभदायक है। किरण बेदी भी कहाँ की राज्यपाल? के लिए, पुडुचेरी के लिए। और वी नारायण स्वामी यहाँ के क्या है दोस्तों? आपके सीएम है ना। तो स्वामी जी का नाम लिया अपन ने, साथ में क्या? चेरी खाई। चेरी खाने से किरण बेदी जैसे हम बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मजबूत। अगला आता है अंडमान निकोबार दोस्तों। तो ये अंडमान निकोबार एक अजीब सा नाम नजर आ रहा है अपने को, क्या आ रहा दोस्तों? अजीब सा नाम नजर आ रहा कि सर ये अंडमान निकोबार कैसा नाम है ना। तो अंडमान निकोबार ऐसा नाम है मेरे साथियों कि किसने रखा है? जोशी जी ने नाम रखा है इसका। किसने रखा दोस्तों? जोशी जी। कौन से थे जोशी जी? देवेंद्र कुमार जोशी जी ने इनका नाम रखा, ऐसा आप याद रखिएगा। तो अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन है हमारे? देवेंद्र कुमार जोशी, है ना, एक प्यारा सा बिल्कुल यूनिक नेम रखा, ऐसा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला है चंडीगढ़ दोस्तों। तो चंडीगढ़ की मैंने बात की दोस्तों, अब चंडीगढ़ में क्या है कि प्रशासक है दोस्तों वीपी सिंह। कौन है दोस्तों? वीपी सिंह। अब क्या करते हैं अपन बोल सकते हैं भैया चंडीगढ़ गया कोई व्यक्ति तो भी आप पीने लग गया वहाँ पे, वीपी या फिर वीआईपी लोग रहते हैं, ऐसा याद रखिएगा आप। तो वीआईपी यानी कि वीपी सिंह है ना, और बदनोर ये कहाँ रहते हैं भैया? चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में कौन है? वीआईपी लोग रह रहे हैं, ठीक। अगला आ गया लक्षद्वीप। लक्ष्य प्राप्त करोगे आप, तो लक्ष्य किसने प्राप्त किया भैया? दिनेश्वर शर्मा ने। किसने प्राप्त किया भैया? दिनेश्वर शर्मा ने क्या प्राप्त किया भैया? लक्ष्य प्राप्त किया, ठीक है, ये याद रखना। तो लक्ष्य प्राप्त कर दिया दिनेश्वर शर्मा, ये शर्मा जी ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। फिर अगला आता दादर और नगर हवेली और दमनदीप, ये पूरा एक ही नाम हो गया दोस्तों अब, है ना, क्योंकि 26 जनवरी 2020 को इन राज्यों का मिलन कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। अब एक ही नाम है दादर नगर हवेली दमन और दीव, इसकी राजधानी दमन है, ठीक। यहाँ के प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल। समझना, जब 2 राज्यों को एक कर दिया गया, यानी कि दो दो चीज़ें आपके साथ एक साथ मिल जाए, जैसे कि अपना एमपी पुलिस में भी हो गया और एमपी जेल प्रहरी में भी हो गया, तो अपने हाथ में दो दो लड्डू हैं, तो अपन फूल जाते हैं, वाह यार मैंने दो दो नौकरी हासिल की, ऐसा अपन याद कर सकते हैं। तो इन्होंने दो दो राज्य हासिल किए, तो प्रफुल्ल लोगर क्या बन गए? पटेल बन गए, ठीक है। तो प्रफुल्ल पटेल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया भैया? एकदम वापस देखते हैं,
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल शेर चेता तो मनोज सिन्हा हो गया। लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर राधा भगवान कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं लाखों लोग। दिल्ली में अनिल बेजल और अरविंद केजरीवाल, इनका नाम आपको याद होगा। पुडुचेरी में दोस्तों चेरी से याद रखना किरण बेदी जैसा बनना है, किसका नाम लेना है, वी नारायण स्वामी का नाम लेना है। अगला है अंडमान निकोबार का नाम किसने रखा, देवेंद्र कुमार जोशी ने रखा, ठीक है। चंडीगढ़ यानी कि आप याद रखना चंडीगढ़ में वीआईपी लोग रहते तो वीपी सिंह बदनौर हो गया अपना, ठीक। लक्षद्वीप की मैंने बात करी, लक्ष्य किसने प्राप्त किया, शर्मा जी ने, तो दिनेश्वर शर्मा ने। दादर नगर हवेली दमनदीप एक अच्छा सा नाम है, तो प्रफुल्ल पटेल हो गए, हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों, ये हो गया। दूसरी मैं बात करूँ, प्रशासक वहाँ पे होता है जहाँ पे सीएम नहीं होते, जहाँ पे सीएम नहीं होते वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, प्रशासक, और जहाँ पे केंद्र का शासन चलता है और सीएम भी होते हैं वहाँ पे होते हैं आपके उपराज्यपाल। और जो बाकी हमारे राज्यपाल जैसे राज्य मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू, हरियाणा वगैरह, इनमें क्या होते हैं दोस्तों, राज्यपाल होते हैं। जो हमारे नॉर्मल राज्य हैं 28, उनमें तो आपके समझना दोस्तों, ये और बता दूँ मैं, क्योंकि 28 राज्य अभी वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल मिला के 36 राज्य भी हैं हमारे, ठीक है। टोटल मिला के 36 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश जो मैंने आपको बताए हैं, और 28 आपके राज्य जो हमने कल बात की थी, यहाँ के सीएम और राज्यपाल हम कर चुके हैं। अगला जो लेक्चर आएगा ना दोस्तों इसी दर में, तो वो आपका क्या आएगा, उसमें आपको मैं मुख्य न्यायाधीश बता दूंगा सभी राज्यों के, है ना, जो अपनी मौखिक ट्रिक होती है वो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। टारगेट है आर्य पार एमपी पुलिस इस बार, ठीक है। तो माइंड में सेटअप कर लो दोस्तों, है ना, ये तारीख का इंतजार मत करो सर फॉर्म नहीं डला, फॉर्म डलेगा भी सही, परीक्षा भी देंगे और पुलिस वाले बनेंगे भी सही, ठीक है दोस्तों। तो मोटिवेट रहिए, बिंदास रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, और मेरे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना, शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पीडीएफ आपको मिलती जा रही है ना, एक दिन बाद मिलती है पीडीएफ, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो धन्यवाद साथियों।